तो जैसे कि गाइस आपको पता है अभी तो फिनल गेम के अंदर आइस फेदर करके टॉप अप इवेंट चल रहा है, जिसके अंदर आप 200 डायमंड को टॉप अप करोगे तो ये कटाना हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और 500 डायमंड को टॉप अप करोगे तो ये स्कार हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन गाइस क्या आपको पता है नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कौन सा होने वाला है और कब तक हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा? और गाइस एक नया जो है इवेंट स्टार्ट होने वाला है, उसका कैलेंडर का पूरा लीक मेरे को मिल चुका है, तो उसी इवेंट में फ्री में जो आइटम मिलेगा आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, और उसके साथ नेक्स्ट जो प्रोफाइल इवेंट होने वाला है वो प्रोफाइल इवेंट के बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप में से शायद सभी को पता है गेम के अंदर OB31 अपडेट के बाद दो प्रोफाइल इमोट का लीक हम लोगों को मिल चुका है, सबसे पहले हॉर्स वाला इमोट और उसके बाद एक गड्डी वाला इमोट गाइस जो क्रिसमस बेस पे है गाइस। तो आप सभी को शायद पता चल गया है नेक्स्ट जो प्रोफाइल इमोट कौन सा होने वाला है, क्रिसमस बेस पे जो प्रोफाइल इमोट है ना गाइस वही हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट प्रोफाइल इमोट, और नेक्स्ट प्रोफाइल इमोट बहुत ही अच्छा खासा है गाइस। लेकिन जो हॉर्स इमोट है, हॉर्स प्रोफाइल इमोट अभी तो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन किसी वेब इवेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी जो मिलेगा 25 दिसंबर से पहले वो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यही प्रोफाइल इमोट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो काफी ज्यादा बेहतरीन है गाइस। ये भी बहुत ही अच्छा खासा प्रोफाइल इमोट है, और हॉर्स इमोट सबसे पहले बेहतरीन था गाइस, और ये तो अभी तक नहीं आया, इसको छोड़ देते हैं, जब आ जाएगा इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल जो प्रोफाइल इमोट आप यहाँ पर देख सकते हो यही आने वाला है, तो ये कैसा लगा आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो इवेंट आने वाला है, उसका नेम है न्यू एज इवेंट। तो इसका एक कैलेंडर निकल के आ रहा है, तो कैलेंडर में जो फ्री आइटम मिलेगा वो गाइस आप यहां पर देख सकते हो, जो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 17 दिसंबर को हम लोगों को यहां पर गाइस देख सकते हो बंडल देखने के लिए मिल जाएगा न्यू एज करके। उसके बाद गाइस हम लोगों को मॉन्स्टर ट्रक का एक स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब हर इवेंट पे आपको जो है एक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन दिखाई दे रहा है, मतलब गेम के अंदर मॉन्स्टर ट्रक का स्किन हो चुका है। आपको कितना मॉन्स्टर ट्रक मिला है और आपका प्रोफाइल में, मतलब आपका आईडी में कितना मॉन्स्टर ट्रक का स्किन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका जो मॉन्स्टर ट्रक देखने में कैसा होगा उसका वीडियो अभी तक कोई भी लीक नहीं मिला है, जब भी मिल जाएगा सबसे पहले अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। और उसके बाद गाइस हम लोगों को एक जो है टोकन देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, देख सकते हो मैप में ये टोकन ड्रॉप होगा और उसमें हम लोग एक्सचेंज करके कुछ जो है आइटम वगैरह मिलेगा, अरे फ्री में आइटम होगा आप सभी को बता रही है। जो बंडल और मॉन्स्टर ट्रक देख रहे हो ये दोनों में कोई एक आइटम को हम लोगों को पक्का फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोगों को एक बैट का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद एक पारंग का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक बैकपैक का स्किन दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक जो है सिर का टोपी टाइप का दिखाई दे रहा है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर एक स्नोमैन का बंडल दिखाई दे रहा है, जो बंडल हम लोगों को शायद फ्री में मिलेगा क्रिसमस बेस पे, मतलब विंटरलैंड बेस पे ये जो स्नोमैन है गाइस ये हम लोगों को बंडल के अंदर फ्री में मिल सकता है। पिछले बार विंटरलैंड पे हम लोग एक बंडल मिला था गाइस रिडीम कोड के अंदर, तो ऐसा ही कुछ सीन होने वाला है, और रिडीम कोड का सबसे पहले कोड मेरा चैनल पे मिलता रहता है आप सभी को पता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो और एक बैकपैक हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है फिर से आपको एक ग्रेनाइट देखने के लिए मिल जाएगा, और स्केटबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, और क्रैपलैंड आपको कस्टम कार देखने के लिए मिल जाएगा, न्यू पेट मतलब ये थी जो पेट है ना गाइस ये पेट आपको लॉगिन रिवॉर्ड पे फ्री में मिलेगा गाइस। ये जो पेट है इसका एबिलिटी के बारे में बात करूंगा, बहुत ही अच्छा खासा एबिलिटी है गाइस, और इसका एबिलिटी लास्ट में बताऊंगा, बहुत ही अच्छा खासा एबिलिटी है। और उसके बाद हम लोगों को जो मैजिक फेगनेंट मिलेगा, और मैजिक फेगनेंट शायद 50 मिल सकता है, 50 मैजिक फेगनेंट हर इवेंट पे मिलता है। उसके बाद मिस्टर वागर का एक स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद गाइस M60 का एक गन का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, काफी ज्यादा अच्छा है गाइस, और एक पैन का स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगा, पैन का स्किन भी रेड कलर का कॉम्बिनेशन पे है गाइस, ये भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और गाइस ये इवेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है 17 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी महीने तक चलेगा, और ये विंटरलैंड बेस पे, मतलब विंटरलैंड का जो इवेंट है ना गाइस ये बिग इवेंट है गाइस, और इसमें ही हम लोगों को प्रोफाइल इमोट साइड देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब 25 दिसंबर से पहले हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो 25 दिसंबर के अंदर यही पड़ता है गाइस, तो इसके अंदर भी मिल सकता है, और मेरे को जो लगता है ये टॉप अप सेक्शन का अंदर शायद आ सकता है। और गाइस ये जो कैलेंडर है ना गाइस इसमें बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड हम लोगों को मिल रहा है, मैं गाइस इसमें डिटेल्स में दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को और एक जो है यहाँ पर लूडबॉक्स, शायद ये लूडबॉक्स मेरे को लग रहा है, ये जो 6 तारीख मतलब 6 जनवरी को मिलेगा ये लूडबॉक्स शायद मेरे को लग रहा है, और उसके बाद जो दिखा रहा है वो भी शायद लूडबॉक्स मेरे को लग रहा है, मतलब ये जो पिक्चर है ना गाइस ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जब भी डिटेल्स में मेरे को सब कुछ लिख मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं अपलोड कर दूंगा। और गाइस सारा कुछ रिवॉर्ड मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, और यहाँ पर दो बंडल आपको दिखाई दे रहा है साइट के अंदर, ये दोनों बंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो है विंटरलैंड पे,
और विंटरलैंड का जो इवेंट है ना गाइस, न्यू एज इवेंट का कैलेंडर, उसको आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो सबसे पहले आप बता सकते हो। उसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग बंडल के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बंडल देख सकते हो, जो बंडल जो है न्यू एज जो इवेंट है ना गाइस, इसका अंदर ही आएगा ये बंडल। गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा बंडल है, मतलब इसका चेस्ट पे कुछ जो है ड्रॉ किया हुआ है जो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। ओपी टाइप का इसका एनिमेशन और डिजाइन वगैरह है और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा बंडल कभी भी नहीं आया है, सबसे पहले यूनिक सा बंडल है गाइस। यहाँ पर चेस्ट पे टैटू है जो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये बंडल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं एक स्किन दिखा रहा हूँ बास्टन पेट का, जो ग्रीन कलर का एनिमेशन के साथ आया है। ये आपको 200 डायमंड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। इसका जो एनिमेशन है ग्रीन कलर का, ये सबसे मेरे को अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद गाइस आप 500 डायमंड को टॉप अप करते हो तो आपको एक बैकपैक देखने के लिए मिल जाएगा, जो यूनिक सा बैकपैक है गाइस। इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा खासा है। अब लेवल 3 बैकपैक मिल जाता है, तो लेवल 3 बैकपैक में इसका एनिमेशन देख सकते हो, जो मेरे को बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा। फानी टाइप का है गाइस। 500 डायमंड टॉप अप सेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा बैकपैक हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉप अप इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा आपको 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर में जो टॉप अप इवेंट आएगा वो गाइस मैं यहां पर क्लियर कर दिया, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कौन सा होने वाला है, और आपका जो भी डाउट था उम्मीद कर सकते हो सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यू जो पेट का स्किन हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब जो यती जो पेट स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कैलेंडर मैंने कवर किया था इवेंट का उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा था। लॉगिन रिवॉर्ड पे फ्री में मिलेगा। तो इसका एबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लू एती को आप देख सकते हो, और देखने में भी मेरे को क्यूट सा लग रहा है, और इसका जो एबिलिटी है ना गाइस वो भी क्यूट से एबिलिटी है गाइस। मैं सबसे पहले आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, मतलब विदाउट एती का आप यहाँ पर ग्रेनाइट का डैमेज देख सकते हो, 242 डैमेज है गाइस, जो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ विदाउट एती का आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार दो बार करके दिखा रहा हूँ आपको, पूरा क्लियर करने वाला हूँ, मतलब देख सकते हो पूरा गाइस आप पूरा डैमेज हो जाएगा, मतलब 200 से ऊपर डैमेज हो जाएगा तो आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। एनिमी आपको ग्रेनाइट फेंकेगा आपको ऊपर, तो आप इजीली जो आपका किल हो सकता है। और विद एती के आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कम डैमेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, 168 शायद देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद हम लोग फिर से विद एती का साथ देख सकते हो, 168 आपको शो कर रहा है। तो गाइस कितना जो है रिड्यूस कर रहा है, मतलब ग्रेनाइट का पूरा पावर जो है खत्म कर रहा है, तो ये मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो स्किल है गाइस बिल्कुल ओपी से स्किल है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहना भाई लोग, बाय-बाय।